हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही इफेक्टिव व्हाइटनिंग क्रीम शेयर करने जा रही हूँ, जिसको यूज़ करके आप अपने स्किन की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट साइड इफेक्ट के। एंड ऑल टाइप स्किन के लिए सूटेबल है। इसको यूज़ करके आप अपने स्किन को वाइट एंड ब्राइट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई है, रफली है, डैमेज है, तो बहुत ही अच्छी तरह से एक फ्रेश लुक आ जाता है। क्योंकि ये जो क्रीम है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, सिर्फ आपको इसके बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स मिलते हैं। और आजकल का वेदर है जो काफ़ी ज़्यादा ड्राई है, इस ड्राई वेदर में इसको जब आप यूज़ करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा सा मिलेगा। सो वीडियो की तरफ चलते हैं, ये क्रीम किस तरह से बनाई गई है। सो आप देख सकते हैं इसमें ओशन वाइटनिंग क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत ही इफेक्टिव है। इसको नॉर्मल भी जब आप यूज़ करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त सा रिजल्ट मिलता है। ओशन ब्यूटी क्रीम आप फेस एंड बॉडी, फुल बॉडी के लिए यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी इफेक्टिव रहती है। उसके बाद मैं एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ, साइद गनी का है, जो कि बहुत ही इफेक्टिव होता है। इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहता है। आप कोई सा भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप वकाली का भी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो एलोवेरा जेल है, मैंने 2 स्पून लिया है, आपने देखा। एंड थर्ड नंबर पे जो मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ, ऑलमंड ऑयल है, स्वीट ऑयल है, यानी कि मीठे बादाम का तेल है। आप किसी भी मेडिकल शॉप से इसको बाय कर सकते हैं, काफ़ी इफेक्टिव रहता है ड्राई स्किन के लिए। ऑलमंड ऑयल के जब आप बेनिफिट जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, इतने ज़्यादा बेनिफिट होते हैं आपके स्किन के लिए, आपकी बॉडी की हेल्थ के लिए। सो ऑलमंड ऑयल किस तरह का होता है, कहाँ से मिलता है, फुल डिटेल मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं ऑलमंड ऑयल के रिलेटेड। एंड उसके बाद मैं जो लोशन यूज़ कर रही हूँ, जॉनसन बेबी का लोशन है, बहुत ही ज़बरदस्त सा होता है। इसका सिंगल भी जब आप यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन सॉफ्ट एंड मॉइस्चराइज हो जाती है। बेबी के लिए भी काफ़ी बेस्ट होता है, यानी टीनएजर्स भी इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद एवियन के कैप्सूल मैं यूज़ कर रही हूँ, विटामिन ई के कैप्सूल्स होते हैं, काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। 2 कैप्सूल मैं यूज़ करूँगी, ग्रीन कलर के, इसमें आपको डिफरेंट कलर्स में मिल जाते हैं मार्केट से, यानी 200 mg के भी मिल जाते हैं, 400 mg के भी मिल जाते हैं, ग्रीन भी मिल जाते हैं, रेड भी मिल जाते हैं, आपको ग्रीन वाले ही यूज़ करने हैं। ये जो ग्रीन कलर के कैप्सूल है विटामिन ई के, ये 200 mg के हैं। ये जो क्रीम है ऑल टाइप स्किन के लिए सूटेबल है, ड्राई स्किन हो या फिर आपके स्किन काफ़ी ज़्यादा ऑयली भी है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, सेंसिटिव स्किन पे भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव क्रीम होती है। एंड इसके अलावा इसके यूज़ करने से आपकी स्किन बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होती, बल्कि आपकी स्किन पे एक नेचुरली ग्लो आ जाता है, आपकी स्किन वाइट एंड ब्राइट हो जाती है, बहुत ज़्यादा गोरे चिट्टे नहीं होंगे, लेकिन आपके स्किन पे एक फ्रेश लुक आ जाता है इसके यूज़ करने से। मिक्सिंग करने के बाद टेक्सचर आप देख सकते हैं इस तरह का होता है, ना इतना रनी है ना इतना थिक है, बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर है। और इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत ही अच्छी सी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा फ्रेगनेंस वाली क्रीम इसमें ऐड की है, जो कि बहुत ही अच्छी भी है और बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं है, चुपने वाली नहीं है। एंड अगर रिजल्ट्स की बात की जाए तो कमाल के इसके रिजल्ट्स होते हैं। जब आप इसको ट्राई करते हैं तो आपको भी इसका रिजल्ट 1 डे में ही मिलेगा, यानी बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा विदाउट साइड इफेक्ट के। टीनेजर्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। बट अगर आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो रही है, जैसे ही इसको अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा इचिंग वगैरह फील होगा आपको फेस पर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ड्राई स्किन होती है, क्रीम लगाते ही अपना वर्क स्टार्ट कर देती है तो थोड़ी सी इचिंग फील होती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो सेट हो जाती है। क्रीम मिक्स करने के बाद इस तरह से किसी भी एम्प्टी बाउल को अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन कर लें, उसके बाद आप इस क्रीम को इस तरह से फिल कर लेंगे, यानी भर लेंगे। आप किसी भी कंटेनर पे भी रख सकते हैं, इस तरह की जो बॉटल्स होती है तो काफ़ी ज़्यादा सही रहती है, क्योंकि क्रीम की जो कंसिस्टेंसी है मीडियम है। इस तरह की बॉटल में जब आप भर के रख लेते हैं, एक बार क्वांटिटी सही से भर के बना लें और आपका मंथली ईजिली चल जाएगा। ये जो मैंने बनाया है, ये मटेरियल आप वीक में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका यूज़ काफ़ी ज़्यादा है तो वीक तक आप ये चला सकते हैं, अगर कम है यूज़ तो ये क्रीम आपकी 15 डेज ईजिली चल जाती है। तो आप मेंबर के हिसाब से बना सकते हैं, अगर आपके घर पे मेंबर ज़्यादा है या फिर यूज़ आपका काफ़ी ज़्यादा है तो आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख लें। सो आपने देखा ये जो ओपनर है मैंने लगा लिया, इसमें होल दिया हुआ है जिसकी हेल्प से आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कितना इजी होता है। आप फिंगर बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे अपने क्रीम पर। मैंने स्पून की हेल्प से इसको फिल कर लिया था, उसके बाद इस तरह से यूज़ करेंगे, जर्म भी नहीं जाते इस तरह से बॉटल में। एंड यूज़ भी अच्छी तरह से आप इजी वे पे कर सकते हैं, और कोई भी कर सकता है, यानी कि आपके सिस्टर्स वगैरह सब यूज़ कर सकती हैं की बॉटल से, क्योंकि इसमें जर्म्स वगैरह जाने के चांसेस नहीं होते, फिंगर एंडर होती ही नहीं है।
सो अगर आपके पास इस तरह की बॉटल्स वगैरह नहीं है तो आप कंटेनर में भी इसको रख सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही ज़बरदस्त सी आपको ये क्रीम मिलती है, आपके स्किन पे एक नेचुरली ग्लो आ जाता है। एंड इसके अलावा झाइयाँ वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो रही है, आपके फेस पे काफ़ी ज़्यादा डलनेस का इशू है, तो अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो हर मुश्किल से आपको निजात मिल जाएगी। एंड अब बात कर लेते हैं इस विंटर क्रीम को आपको कब यूज़ करना है। देखिए, इस क्रीम का कोई टाइम नहीं है, आपका जब दिल चाहे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप मॉर्निंग पे, इवनिंग पे, नाइट पे, हर टाइम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि विंटर का सीज़न स्टार्ट हो गया है, स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई रहती है, तो कॉलेज गोइंग गर्ल्स, स्कूल गोइंग गर्ल्स ईजिली इसको यूज़ कर सकती हैं, लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों यूज़ कर सकते हैं, यानी गर्ल्स और बॉयज़ के लिए दोनों के लिए काफ़ी परफेक्ट रहती है। आप इस क्रीम को यूज़ करके कोई सा भी बेस वगैरह भी बना सकते हैं, यानी कि ये आपके स्किन को सॉफ्ट एंड मॉइस्चराइज करती है, लेकिन अगर आप नॉर्मल इसको यूज़ करेंगे तो इसके रिजल्ट काफ़ी बेस्ट मिलेंगे, आपके स्किन ड्राई नहीं रहेगी, अगर आपके फेस पे काफ़ी ज़्यादा फाइन लाइन का इशू रहता है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। यानी कि इस क्रीम को जैसे ही आप अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं, जैसे ही यूज़ करते जाते हैं, तो आप देखते हैं वन डे में ही बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट मिलता है। एंड स्किन पे वक्त से पहले लाइंस अगर आ गई हैं, झुर्रियाँ आ गई हैं, फाइन लाइन का काफ़ी ज़्यादा इशू है, डार्क सर्कल काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है इस क्रीम को यूज़ करने से। एंड इस क्रीम में सबसे अच्छी बात यह है कि इसको जैसे ही आप यूज़ करते हैं तो एब्जॉर्ब अच्छी तरह से हो जाती है, बिल्कुल भी फील नहीं होता कि आपने कुछ ऑयली फेस पे लगाया हुआ है। फ्रेगनेंस भी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि अगर कोई सी भी प्रोडक्ट आप लगाते हैं फ्रेगनेंस अच्छी नहीं होती, कोई भी हर्बल क्रीम जब आप यूज़ करते हैं उसकी फ्रेगनेंस अगर अच्छी नहीं होती तो दिल भी नहीं चाहता लगाने का, और दूसरे को भी अगर फ्रेगनेंस आपकी अच्छी नहीं आती, यानी कि अजीब सी स्मेल आती है, तो दूसरा भी थोड़ा सा इरिटेट होता है आपसे। सो ये हर हिसाब से अच्छी है, आप इसको नॉर्मल वेदर पे भी यूज़ कर सकते हैं, विंटर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, स्किन को बहुत ही अच्छी सा ग्लो देने के लिए बहुत अच्छी है। बेस्ट रिजल्ट के लिए आप कोशिश करें कि इसको नाइट पे लाजमी लगाएं, लाजमी फेस पे लगाने के बाद इसको अच्छी तरह से लगाना है फिंगर की हेल्प से, जब वो अच्छी तरह से आपकी स्किन पे अप्लाई हो जाए, ब्लेंड हो जाए, उसके बाद आप सो जाएंगे और मॉर्निंग पे देखेंगे आपकी स्किन बहुत ही अच्छी हो जाती है और अच्छा सा एक फ्रेश ग्लो आ जाता है आपके फेस पे नेचुरल तरीके से। जितने भी इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किए हैं आप अपने हिसाब से यूज़ करेंगे, यानी कि अगर आपको वन मंथ की क्रीम बनानी है तो इसका डबल कर लेंगे, अगर आप कम मेंबर्स की बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से इस क्रीम को ईजिली बना सकते हैं। सो अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, अल्लाह हाफिज़।